नमस्कार, आपके साथ में हिंगलाज दान और आप देख रहे हैं हमारा खास एपिसोड किस्सा सियासी। किस्सा सियासी में इन दिनों हम बात मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत और कमलनाथ सरकार के गिरने का सियासी किस्सा बता रहे हैं। हमने अब तक आपको बताया कि सिंधिया और कमलनाथ के बीच नाराजगी कैसे बढ़ी, सिंधिया को बीजेपी से मिलवाने का काम किसने किया और दिग्विजय सिंह का यह दावा कि हमारे विधायकों को खरीदने के लिए 25 से 35 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है, यहां तक हमने आपको बताया। अब आगे की कहानी। अब जब बीजेपी के कुछ नेताओं ने सिंधिया के साथ मिलकर कमलनाथ सरकार गिराने की प्लानिंग तैयार की तो शुरुआत में इसकी जिम्मेदारी दो लोगों को दी गई। ये दोनों 2013 से 2018 वाली शिवराज सरकार में मंत्री थे और राजनीतिक गुणा भाग के बहुत एक्सपर्ट थे। इनमें से एक नेता ग्वालियर संभाग से और एक चंबल रीजन से थे। यही वजह थी कि जो विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए उसके लिए भी उसी इलाके के विधायकों को सेलेक्ट किया गया। सबसे पहले निशाना बनाया मुरैना जिले की अंबाहा सीट से विधायक कमलेश जाटव, गोहद के रणवीर जाटव, मुरैना के रघुराज सिंह कसाना, समावली के ऐदल सिंह कसाना और भिंड जिले के मेहगांव विधायक ओपीएस भदौरिया को। इसके बाद सुवारा विधायक हरदीप डंग और अनूपपुर विधायक बिसाहू लाल सिंह को जोड़ा गया। ये ज्यादातर वो विधायक थे जो कमलनाथ सरकार में साइडलाइन चल रहे थे, कमलनाथ सरकार में इनकी बातों को सुना नहीं जा रहा था। दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव हुए थे फरवरी 2020 में, उससे पहले ही इन सभी विधायकों की बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करवा दी गई थी। लेकिन जैसे ही 3 मार्च को कमलनाथ को इसकी भनक लगी, तुरंत विधायकों के पीछे खुफिया पुलिस को लगा लिया। बीजेपी को भी इसका एहसास तो था कि जिनकी सरकार है उनके पास तो पूरा खुफिया तंत्र होता है, वो नजर तो रखेंगे ही। इसलिए बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली कि विधायकों को राजधानी भोपाल से सीधे दिल्ली न लाया जाए। विधायक अपनी अपनी गाड़ियों से भोपाल से अलग अलग रास्तों से होते हुए इंदौर आए और वहां से ये अलग अलग फ्लाइट के जरिए दिल्ली आए, फिर गुड़गांव में उस होटल पहुंचाया जाए। लेकिन यहीं पर एक गड़बड़ हो गई। बीजेपी नेता भूपेंद्र सिंह बसपा विधायक रामबाई को लेकर जिस चार्टर विमान से उड़े थे, इसकी खबर खुफिया तंत्र को लग गई। खबर कमलनाथ तक पहुंची तो शुरू हुआ फोन टेपिंग, फोन ट्रेसिंग का खेल। लेकिन जनप्रतिनिधियों के फोन टेप करना बहुत गंभीर मामला होता है, इसलिए आजकल मुख्यमंत्री लोग नई चाल चल रहे हैं। विधायकों के साथ रहने वाले लोगों के फोन टेप कर दिए जाते हैं ताकि ज्यादातर जानकारी वहां से मिल जाए। बसपा की इस विधायक रामबाई के गनमैन का फोन टेप किया गया। गनमैन के फोन टेप करने से ही ये पता चल गया कि विधायकों को गुड़गांव के फला फला होटल में ठहराया जा रहा है और सरकार गिराने की पूरी तैयारी हो रही है। दिग्विजय सिंह को जैसे ही पता चला, दिग्विजय सिंह ने तुरंत इसी होटल में ऑनलाइन 2 कमरे बुक करा लिए और भोपाल से अपने बेटे जयवर्धन, मंत्री जीतू पटवारी और विधायक कुणाल चौधरी को दिल्ली आने को कहा। यह 2 तारीख की बात है। और मजेदार बात तो यह है कि जब ये तीनों भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना हुए तो शिवराज सिंह चौहान भी उसी विमान से दिल्ली के लिए रवाना हुए। एक दूसरे से बात भी हुई, लेकिन शिवराज ने कहा कि मैं पार्टी के काम से दिल्ली जा रहा हूं। जीतू पटवारी ने भी यही कहा कि पार्टी के किसी काम से दिल्ली जा रहे हैं। इधर बीजेपी के नेताओं से एक और गड़बड़ हुई। 4 विधायकों को लेकर दिल्ली लाने की जिम्मेदारी बीजेपी के एक सांसद को दी गई थी। इन्होंने लापरवाही कर दी। विधायकों ने कहा कि पंडित जी आप कुछ खाते पीते तो है नहीं, आप फ्लाइट से दिल्ली जाओ, हम गाड़ियों से गुड़गांव के उस होटल पहुंच रहे हैं रास्ते में खाते पीते हुए। लेकिन खाने पीने में रास्ते में इतनी देर लग गई कि देर रात ये लोग दिल्ली पहुंचे। फिर सोचा कि अब रात को गुड़गांव कौन जाए, रात में दिल्ली में जो मध्य प्रदेश सरकार का रेस्ट हाउस है मध्यांचल, वहीं रुक गए। अब देखो प्लानिंग कैसे गड़बड़ होने लगी। 2 की रात को सबको गुड़गांव में इकट्ठा होना था, 3 की रात सबकी बीजेपी नेताओं से मुलाकात करवानी थी, लेकिन कुछ कुछ गड़बड़ियां यहीं से होने लग गई थी। और इसमें भी एक रोचक बात यह थी कि कमलनाथ सरकार गिराने की इस प्लानिंग में शुरुआती वक्त में बीजेपी आलाकमान सहमत नहीं था, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जब कुछ नेताओं ने उन्हें भरोसा दिलाया कि भाई कांग्रेस के इतने विधायक तो आने को तैयार बैठे हैं, मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, बस आप हां कर दीजिए, सरकार गिरने में कोई नहीं रोक सकता,
खैर जीतू पटवारी और शिवराज सिंह जब दिल्ली पहुंचे तो एयरपोर्ट से उतरने के बाद जीतू पटवारी और जयवर्धन तो उस होटल के लिए रवाना हो गए। फोन कर हरियाणा कांग्रेस के कुछ मित्रों को भी कह दिया कि आप भी उस होटल पहुंचिए, लेकिन जीतू पटवारी ने कुणाल चौधरी जो तीसरे व्यक्ति उनके साथ भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे उनको शिवराज सिंह के पीछे लगा दिया एयरपोर्ट से निकलते ही कि तुम शिवराज सिंह का पीछा करो, ये किनसे मिलने जा रहे हैं, शायद कुछ रणनीति का और पता चले। कुणाल ने पीछा भी किया लेकिन कुछ देर पीछा करने के बाद शिवराज की गाड़ी किधर निकल गई कोई पता नहीं चला। थके हारे कुणाल भी उसी होटल पहुंच गए। इधर रात के 10:30 बजे होटल में हंगामा शुरू हुआ। कांग्रेस के ये तीनों नेता होटल में घुस गए। हैरानी की बात तो ये थी कि इन्हें सब पता था कि किस रूम में कौन सा विधायक ठहरा हुआ है। जैसे ही हंगामे की खबर मिली होटल के बाहर खुली हवा ले रहे ये सभी विधायक भागकर अपने अपने कमरों में पहुंच गए। यहां बीजेपी की ओर से मोर्चा संभाल रहे थे अरविंद भदौरिया। जीतू पटवारी सबसे पहले इस होटल के कमरा नंबर 308 में पहुंचे। कांग्रेस के एक विधायक बिसाहूलाल इसी रूम में थे। जीतू पटवारी ने उन्हें समझाया, हाथ पांव जोड़े, दिग्विजय सिंह से फोन पर बात कराने की भी कोशिश की। तब तक अरविंद भदौरिया यहां पहुंच गए। दोनों के बीच बहस और गाली गलौच होने लगी। दोनों बिसाहूलाल को अपनी अपनी तरफ खींचने लगे। इसी बीच बीजेपी के एक नेता ने बिसाहूलाल को खींचकर एक कमरे में डाल दिया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। बिसाहूलाल हाथ से निकले तो कांग्रेस नेता भागे कमरा नंबर 307 की तरफ। यहां वो बसपा वाली विधायक रामबाई रुकी हुई थी। महिला विधायक थी तो उनके साथ उनकी बेटी भी आई थी। कांग्रेस नेताओं ने कमरे में घुसते ही दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। रमाबाई से समझाने की कोशिश की, कमलनाथ से फोन पर भी बात कराई। इधर रामबाई कमलनाथ से फोन पर बात कर रही थी उधर बाहर से दरवाजा जोर जोर से पीटा जा रहा था। रामबाई की बेटी घबरा गई, उसने मां से कहा चलो हम वापस चलते हैं। लेकिन इतने वक्त में अरविंद भदौरिया बाकी के विधायकों को होटल के पीछे के दरवाजे से लेकर निकल गए। भदौरिया एयरपोर्ट के लिए निकले, रास्ते में ही दिल्ली में बैठे नेताओं को फोन लगाया, एयरपोर्ट पर विमान की व्यवस्था की। बेंगलुरु के लिए भदौरिया के साथ सिर्फ 4 विधायक थे, पांचवीं रमाबाई जिसे जीतू पटवारी वापस ले गए, 3 विधायक रेस्ट हाउस में ही रुके हुए थे, 2 किसी और होटल में ही रुक गए थे। इसी लापरवाही ने प्लान को चौपट कर दिया। इधर जीतू पटवारी जब रामबाई को लेकर एमपी सरकार के रेस्ट हाउस पहुंचे तो वो 3 विधायक भी यहीं मिल गए। इतने में ही कांग्रेस को यह खबर लग गई कि 2 और विधायक नॉट पैलेस के किसी होटल में ठहरे हुए हैं। रात को उनसे भी बात हो गई। अब जब भांडा फूट गया तो हर विधायक दिल्ली आने का अलग अलग बहाना बताने लगा कि हम तो किसी काम से दिल्ली आए थे। लेकिन कांग्रेस नेता भी जानते थे कि अब जो भी हो इन्हें यहां से मध्य प्रदेश वापस ले जाना है और वहां एक बार मुख्यमंत्री से मुलाकात करा ले तभी जाकर काम बने। खैर बीजेपी नेता भी इस ऑपरेशन के फेल हो जाने से परेशान थे। कमलनाथ इस तैयारी में थे कि जो विधायक दिल्ली में मिल गए हैं कहीं वापस भोपाल आने से पहले कोई नई मुसीबत ना आ जाए। दिल्ली में दिग्विजय सिंह भी इन विधायकों के साथ बने हुए थे। 3 मार्च की सुबह 10 बजे भोपाल से एक विमान भेजा गया दिल्ली। कमलनाथ ने अपने भरोसेमंद लोगों को ये विमान लेकर भेजा कि आप उन विधायकों को लेकर आइए मध्य प्रदेश वापस। दूसरी चिंता ये थी कि जो 4 विधायक बेंगलुरु चले गए थे बीजेपी नेता अरविंद भदौरिया के साथ में, उन्हें वापस कैसे लाया जाए। उनके फोन लगातार बंद आ रहे थे लेकिन फिर भी सरकार तो गिरी नहीं, तो फिर बीजेपी ने नई रणनीति क्या तैयार की। अब जब बीजेपी के पास कमलनाथ के सिर्फ 4 विधायक ही रहे तो फिर बाद में यह संख्या वापस 25 कैसे हो गई। कैसे बीजेपी ने नई रणनीति बनाई, क्या सिंधिया को मनाने की कोशिश नहीं हुई कांग्रेस की तरफ से, ये तमाम बातें किस्सा सियासी के अगले एपिसोड में। अगर आपको किस्सा सियासी का ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। किस्सा सियासी में हमारी कोशिशों पर अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपका कमेंट, आपका सुझाव हमारे लिए आशीर्वाद और मार्गदर्शन का काम करते हैं। शुक्रिया।